गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मिक्सचर शू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम क्या सीखेंगे बेटा? मेजरमेंट की यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फर्स्टली फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नीदर बी ड्राइव्ड, विच कैन Neither we derived from one another. Another from one another. No. Nor they can be further resolved into any other units, into any other units. फंडामेंटल यूनिट्स बेटा वो होती हैं जो ना तो किसी दूसरे यूनिट से बनाई जा सकती हैं और ना ही हम उन्हें किसी दूसरी यूनिट से रिजॉल्व कर सकते हैं, दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज विच कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये हमारी क्वांटिटीज हैं। अब इन क्वांटिटीज का हम क्या लेंगे? यूनिट लेंगे। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और टाइम को हम सेकेंड में। यानी कि ये इनकी क्या हो गई बेटा? बेसिक यूनिट हो गई, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं कि इस मीटर को किसी और में चेंज नहीं कर सकते, किलोग्राम को किसी और में चेंज नहीं कर सकते। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट हैं वो बेसिक यूनिट कहलाती हैं या फिर फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं। ठीक है,